जानना नहीं चाहते कि आपके भोजपुरिया स्टार आज इतने जो फेमस हुए हैं किन किन गानों से, किन स्टेज शो से, किन फिल्मों से हुए हैं। तो चलिए आज हमारा वीडियो ले दे के इसी पर है और हम आपको बताते हैं कि मनोज तिवारी से लेकर खेसारी लाल यादव तक जितने भी भोजपुरिया स्टार्स जो कभी जमीन के हुआ करते थे आज आसमान में कैसे चमक रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनोज तिवारी से। तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने कई एल्बम्स और कई स्टेज शो किए लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली जो कामयाबी उन्हें देवी गीतों से मिली। जी हाँ, नवरात्र में देवी के गीतों पर निकाला गया बाड़ी शेर पे सवार इस एल्बम ने रातों रात मनोज तिवारी को स्टार बना दिया। आपको बता दे कि टी सीरीज से ये एल्बम और साथ ही सोनू निगम का दीवाना तेरा ये दोनों एल्बम निकले थे और आपको यहाँ जान के हैरानी होगी कि सोनू निगम के इस एल्बम को पछाड़ दिया था मनोज तिवारी के इस एल्बम ने। जी हाँ, इसकी इतनी कॉपियां बिकी थी कि ये एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। और फिर उसके बाद तो मनोज तिवारी के हिस्से आई उनकी पहली भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला और उसके बाद मनोज तिवारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब बात करते हैं रवि किशन की। तो रवि किशन ने कई हिंदी फिल्में की, कई हिंदी सीरियल किए पर उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिस कामयाबी को हर स्टार चाहता है और रवि किशन को वो कामयाबी भोजपुरी फिल्मों से मिली। रवि किशन की फिल्म देवरा बड़ा सतावेला जब आई तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। आपको यहाँ ये बता दे उससे भी पहले रवि किशन की एक फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी, नाम था पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई और इस फिल्म ने भी रवि किशन ने अपनी एक्टिंग के बलबूते इस फिल्म को वो मुकाम हासिल करवाया जो कि भोजपुरी में बहुत कम फिल्मों को हासिल होता है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने उस साल सबसे ज़्यादा बिजनेस किया था और एक रिकॉर्ड कायम किया था और रवि किशन धीरे धीरे ही भोजपुरी के साथ साथ हिंदी फिल्में और फिर साउथ की फिल्मों के बहुत बड़े स्टार बन गए। अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। तो कोलकाता में पढ़ाई करने के बाद जब वो दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने गांव आए तो वो छोटे मोटे स्टेज शो किया करते थे लेकिन उनका फिर एक एल्बम आया निरहुआ सटल रहे। निरहुआ सटल रहे ये उनका पहला एल्बम था और पहले ही एल्बम में उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस एल्बम की कामयाबी इस कदर थी कि निरहुआ के पास धड़ाधड़ फिल्में आने लगी। इस एल्बम को करते वक्त दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम दिनेश लाल यादव ही था। एल्बम की अपार सफलता के बाद दिनेश यादव ने अपना नाम निरहुआ ही रख लिया क्योंकि निरहुआ सटल रहे उस साल की सबसे बिगेस्ट एल्बम थी जो कि काफी सुपर डुपर हिट हुई थी। और अब बात करते हैं पवन सिंह की। भाई पवन सिंह को तो भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन सिंगर माना जाता है, साथ ही साथ बॉलीवुड के भी कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पवन सिंह के गानों पर झूमते हैं लेकिन पवन सिंह को ये कामयाबी इतने आसानी से हाथ नहीं लगी। काफी स्ट्रगल के बाद पवन सिंह के हिस्से एक गाना आया लॉलीपॉप लागल। ये गाना तो चमका लेकिन साथ ही साथ एक और गाने ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बनाया। हाँ, लेकिन कई सालों से पवन स्टेज शो करते थे लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिस कामयाबी के हकदार पवन सिंह थे। फिर पवन सिंह ने एक गाना गाया सानिया मिर्जा की नथुनिया जान मारे ले और ये एल्बम रातों रात इतना बिगेस्ट हिट हुआ कि पवन सिंह ने खुद भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इस एल्बम के बाद वो इतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे। फिर तो क्या था, फिर फिल्मों की लाइन और एल्बम दर एल्बम पवन सिंह हिट होते चले गए। आज पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पवन सिंह को सुना जाता है। और अब बात करते हैं भाई हरदिल अजीज खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की बात क्या करें, खेसारी लाल यादव के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे सानिया मिर्जा काहे खुजलू दुल्हा पाकिस्तानी जैसे ही आया खेसारी लाल यादव को 3 दिन की जेल हुई। 3 दिन की जेल की हवा खाने के बाद जब वो बाहर आए तो रातों रात स्टार बन गए थे। भाई ये वही खेसारी लाल यादव है जो कभी दिल्ली की गलियों में लिट्टी चोखा और चना बेचा करते थे और अपने गांव में भैंस का दूध बेचा करते थे।
लेकिन आज अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत खेसारी ने वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही किसी को नसीब होता है। बड़े ही कम समय में खेसारी लाल यादव हर दिल अजीज बन चुके हैं। खेसारी लाल यादव के लोकप्रियता का आलम आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल यानी कि 2018 में भोजपुरी की सबसे बिगेस्ट हिट संघर्ष दी और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में दी। पिछले साल यानी कि 2018 में खेसारी लाल यादव के आगे कोई भी भोजपुरी स्टार नहीं टिका। तो यकीन है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।